नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस समय मैं मौजूद हूँ पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी का मत्था टेकने के लिए आए हैं। आज सातवां नवरात्र है, यहाँ श्रद्धालुओं की आप भीड़ देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। कहाँ से है? मैं कलमबाला से माता रानी के दर्शन करने के लिए रात को स्पेशल आया था। और कैसे तो कितने घंटे लगे आपको दर्शन करने में यहाँ? कल रात मैंने डंडोत करी है मनी माजरा नगर खेड़े से लेके माता रानी के दर्शन करते वक्त। ठीक है, ये तो देख सकते हैं हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। कितने हैं भाई तुसी? मैं नूर पवेदी। नूर पवेदी श्री आनंदपुर साहब तो। भाई कितनी देर लगी दर्शन करने च? सानू तो जी वी आई पी कोटे आए, मेरे ब्रदर आर्मी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा जी, 2 साल बाद असि इतने मत्था टेकन आए आनी माता दा। 2 साल तो कोरोना की वजह ना घरे रहे, बहुत वधिया लग रहा मत्था। कितने काम करते हो, केड़ी फोर्स च? मैं भाई आर्मी च जी। केड़ी फोर्स? BSF। कितने? मैं RT भाई। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग आई जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला के ACP किशोर लाल जी। जनाब जी नमस्कार जी। थैंक सर, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आज मनसा देवी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। नहीं, देख रहे हैं जैसे जैसे आगे जगह मिल रही है वैसे वैसे निकाल रहे भी हैं। साइड में आउटर रास्ते जितने भी हैं उन पे ड्यूटियाँ लगाई गई, उधर से रास्ते अलग 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 नाके लगाए गए हैं, ट्रैफिक पीछे रोका गया है। कितने नाके टोटल कुल मनसा देवी के अंदर, क्योंकि आज भीड़ का काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। इस ये VIP गेट है, जैसे कि VIP गेट भी बहुत ज़्यादा भीड़। 10 नाके इनर के भी हैं, आउटर के नाके अलग हैं, और ट्रैफिक पुलिस है, ERV लगाई हुई है, और ACP साहब सुरेंद्र जी भी साथ लगे हुए हैं सभी। सर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कितनी पंचकुला पुलिस सिस्टम पंचकुला के मनसा देवी माता रानी के मौजूद है? नहीं, जैसे आज भीड़ के मुताबिक एक्स्ट्रा ड्यूटियां बुलाई गई, जो पहले ड्यूटियां लगाई है उससे एक्स्ट्रा ड्यूटियां बुलाई गई है, वो भी काम कर रहे हैं जैसे जैसे सिस्टम के हिसाब से ड्यूटियां लगाई गई। अगर लोगों की बात करें तो लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कुछ आपको इसके बारे में पता ही होगा, मतलब कि पार्किंग की बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत देखो जहाँ भीड़ होगी उसको कंट्रोल करने के लिए और पार्किंग के लिए अलग अलग बनाई गई है व्यवस्था, तो सुचारू रूप के चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो पुलिस को करना पड़ता है। धन्यवाद सर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।